केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वीरवार को हमीरपुर के गांधी चौक पर जिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने यह विरोध प्रदर्शन जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया व पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र जार की अध्यक्षता में किया। इस दौरान कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, और उसका भी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। उसके उपलक्ष्य में हमने जो फैसला लिया था कांग्रेस पार्टी ने कि इस मुद्दे को हम लोगों के बीच में ले जाएंगे और सड़कों में भी और संसद में दोनों तरफ से इसका घेराव करेंगे, उसी उपलक्ष्य में हमने आज दूसरी बार पूरे प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पार्टी ने फैसला लिया था, उसी के उपलक्ष्य में आज हम दोबारा अडानी के जो उसने और सरकार को जो उसकी बर्दाश्त है इसके पीछे हमने दोबारा यहाँ धरना दिया है। इससे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा जिस पर परिपटी पे सरकार चली हुई है। लोगों के पैसे को जो हजारों करोड़ रुपया जो है वो अडानी की जेब में डाल दिया है, उसी लक्ष्य में आज भी ये धरना व प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का।